जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन एंड फार्म। मैं हूँ जय श्री पवार और आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल क्रंची क्रिस्पी चकली, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है, क्योंकि हम इसमें ढेर सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर डालने वाले हैं, तो इससे ये इसका टेस्ट और हेल्थ में भी अच्छा होता है। तो चलो बनाने की ओर चलते हैं। फिर क्रिस्पी क्रंची टेस्टी चकली बनाने के लिए सामग्री लिए मैंने एक किलो चावल लिए, इस नाप से मैंने चार ग्लास लिए, ये 250 ग्राम का है, और इसी नाप से हमने ये दो ग्लास लिए, ये 500 ग्राम होगा बेसन का, बेसन की दाल भी, और एक कटोरी मैंने मूंग उड़द दाल ली है, एक कटोरी मूंग दाल, एक कटोरी से थोड़ी कम पोहा, आधी कटोरी साबुदाना, धनिया लिया है आधी कटोरी, जीरा लिया है आधी कटोरी। इस चीजों को हम अच्छे से भूनकर कढ़ाई में फिर पीस लेंगे और फिर इसी से हमारी क्रंची क्रिस्पी चकली बिल्कुल दिवाली के लिए तैयार कर लेंगे। बस बिल्कुल भूनना है, इसमें ऑयल वेल कुछ नहीं डालना है, खाली ऐसे गरम करना है सबको अच्छे से भूनकर। चक्की से इसे पीसा लेंगे, इसलिए हमने चना दाल डाली इसमें। अब डालेंगे इसमें मूंग दाल, घर की चिक्की से हम पीस लेंगे। धनिया, जीरा, साबुदाना, पोहा और चावल। अब हम इसको चिक्की से पीस कर फ्रेश आटा बनाएंगे एकदम चकली बनाने के लिए। चकली का आटा लगाने के लिए हम पानी तैयार करेंगे मसाले का, जिसमें हम डालेंगे एक ग्लास पानी जो कि 250 ग्राम है, और उसमें हम मिलाएंगे रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार डालना आप भी। मैंने एक चम्मच डाला है एक ग्लास के लिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसी में मिलाएंगे हम नमक ताकि वो अच्छे से पानी में घुल जाए और हमारा आटा बैटर अच्छे से तैयार हो जाए, और इसी में डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, और इसे एक उबाल आने के अच्छे से उबाल आने देंगे और फिर हम हमारे आटे में मिला देंगे उसको। यह मसाले गरम पानी में डालने से हमें जो ज्यादा तेल डालना होता है ना, वो डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो हमने चक्की में आटा पीस लिया था, ये हमारा इतना आटा बन चुका है उसके इंग्रेडिएंट से, और अभी हम इसका पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे आज ही, बस हम उतना पानी मसाले का पानी बनाया है बस उसी के हिसाब से बनाएंगे। आज हम भाभी के साथ दिवाली पर फराल बना रहे हैं, तो इसलिए आज भाभी आटा लगाएगी। और ये बहुत गर्म होता है, इसीलिए बिल्कुल भी हाथ मत लगाना, इसे इसको चम्मच से ही मिक्स कर लेना, जितना पानी इतना ही आटा उसमें डालना जितना ये पानी में बैठ सके। इसे मसाले में बहुत अच्छा आटा लगता है, और ठंडा होने के बाद अच्छे से हाथों से मसल कर लेना। इसी में मिला देंगे थोड़ा सा अजवाइन, और सफेद वाले तिल भी डालेंगे हम इसमें, ढेर सारे तिल डालेंगे ताकि हमारे चकली में बहुत अच्छे से बने। अब ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल, ये हाथों से मसल सकते हैं। अभी इसको इतना चिकना बना देंगे कि ये आसानी से चकली हम बना सके। अभी हम इसको मशीन से निकाल लेंगे, बस थोड़ा सा ऊपर उठा लेना और फिर घुमाते जाओ, अपने आप अच्छे शेप में, गोल गोल शेप में हमारी चकली बन जाएगी। देखो कितनी प्यारी चकली बनी है हमारी, और बिल्कुल इसे उठाकर हम ऐसे उठाएंगे और फिर ऐसे गरम कढ़ाई में छोड़ देंगे, बनाते जाएंगे
और छोड़ते जाएंगे। और इसको ना दबा कर ले लेना ऐसे, नहीं तो ये कढ़ाई में जाते ही खुल जाएगा बिल्कुल। बस उठाना और छोड़ देना। इसको ना निकालते समय मशीन को ऊपर रखना ताकि आसानी से वो निकल जाती है। फिर बिल्कुल गोल गोल और अच्छी से आएगी। ज़्यादा नीचे से रखोगे तो अच्छी गोल गोल नहीं आएगी। देखो कितनी प्यारी चकली बनी। इसी तरह से हम सारी चकली को निकाल लेंगे। देखो प्यारी प्यारी चकलियां बनके रेडी हो चुकी है बिल्कुल फ्राई करने के लिए। इसे हम फ्राई करेंगे अभी गरम ऑयल में। बिल्कुल आसानी से उठाकर इसमें पीस छोड़ना है। बिल्कुल प्यारी दिखते हैं ऐसे ही। पूरे ऐसे बनाकर हमें बस छोड़ना है और फ्राई होते ही नहीं। लेकिन इसको ना बिल्कुल भी कच्चा मत निकालना। थोड़ी भी कच्ची रह जाएगी ना एक आधी, हमारी पूरी चकली को खराब कर देगी वो। पूरे चकलियाँ सॉफ्ट बन जाएगी, इसीलिए बिल्कुल इसे अच्छे से फ्राई करना, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। बस हमारी पूरी चकली अच्छे से हमने फ्राई कर ली है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। कितना अच्छा आकार शेप आए इसके, बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी अभी। देखो कितने अच्छे से प्यारे से बने। अरे कितनी क्रिस्पी है देखो, और कितनी आवाज भी आती है इसमें। बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी बने और आसानी से टूटते। अरे ज्यादा दिनों तक टिकते, बिल्कुल खराब भी नहीं होते और सॉफ्ट भी। बस इसे ना बिल्कुल आप बस इसे कम आंच पर फ्राई करना अच्छे से। और इसको ना कच्चा बिल्कुल मत रखना, ताकि ये कच्चे रहेंगे तो पूरी चकली हमारी सॉफ्ट बन जाएगी, तो फिर जो मज़ा क्रंची क्रिस्पी चकली खाने में आता है वो नहीं रहेगा। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हम फिर मिलेंगे मेरी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।